एज स्टूडेंट्स आप अपने मन में ये कभी मत लेके चलो कि मैं आईआईटी से नहीं हूं तो मेरे को एक डिसएडवांटेज है। दूसरी चीज मैं बता देता हूं, आईआईटी में घने चूते होते हैं। एंड क्योंकि आप जो आईआईटी, जो आपके दिमाग में एक आईआईटी की इमेज है ना, वो ब्रेकआउट क्राउड है, ठीक है, कि 400 बच्चे आए थे, हर बैच में से 5-6 बच्चे शाइन कर गए, आपको वो दिखते हैं, वो फेमस हैं, वो टीवी पे हैं, उनका नाम आ रहा है, राइट? दे इनफ पीपल हु डू नॉट डू दैट वेल, राइट? बट वही होता है ना कि फेलियर तो छुप जाता है और सक्सेस उबर उबर के सामने आता है। तो उस करके ना लोगों को एक मिसकंसेप्शन है अबाउट आईआईटीज एंड आईआईएम्स, राइट? सिर्फ अगर डिग्री के पैसे खाने हैं ना कि कुछ नहीं आता, बट मेरा बॉस मेरे को नौकरी दे देगा बिकॉज मेरे को ना कैसे करेगा, मेरे पास तो आईआईटी आईएम की डिग्री है, राइट? द हायरिंग डिसीजन इन इटसेल्फ इज गुड, ठीक है, उसके बाद नहीं चला तो हम बोल देंगे ना ये बेवकूफ था, राइट? तो अगर सिर्फ डिग्री की खानी है तो आईआईटी आईएम बहुत बढ़िया है, आईआईटीएम की डिग्री ले लो, जहां नौकरी चाहिए मिल जाएगी, तुम कहीं जंप भी मारोगे वो हाँ डिग्री के नाम पे मिल जाएगी, राइट? बिकॉज द गाय विल टेस्ट यू आउट लेटर, राइट? बट अगर सच्ची में कुछ तोड़ू फोड़ू करना है तो नहीं फर्क पड़ रहा यार, इफ यू आर एज गुड एज मी और बेटर देन मी, यू विल डू बेटर देन मी, बात खत्म।